हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है रजनी जी ब्लॉग चैनल पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। स्वास्थ्य के पापा आ गए हैं और उनका है व्रत, तो मैं उनके लिए कूटू की कचौड़ी बना रही हूँ। कूटू और आलू को मिक्स करके उसकी कचौड़ी बना रही हूँ उनके लिए। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ है, उससे बात भी कर रही हूँ मैं, साथ में कचौड़ी भी बना रही हूँ। उसके बाद उनको कचौड़ी वगैरह दे के फिर मैंने मंदिर को साफ किया। सुबह भी कर दिया था, पर दोबारा से मुझे लगा कि मंदिर को साफ करके तब मैं कान्हा जी को बिठाऊंगी। फिर बाद में लगा कि इतना सारा सामान है कि मंदिर पे आ ही नहीं पाएगा सारा सामान मंदिर में, पर फिर भी मैंने सफाई कर दी दोबारा से और फिर टेबल लगाई वापस से। टेबल पे सामान रखूंगी, पर अभी तो मैं मंदिर की सफाई करके सारी अच्छी तरह से, बहुत सुंदर ये हैं आम के पत्ते, इनको भी पूजा में रखना ज़रूरी होता है, तो अभी तो मैंने यहीं पे लगा दिया है सारा सामान ऐसे ही। अभी टेबल पे लगा रही हूँ क्योंकि मंदिर में जगह ही नहीं है इतनी जो सारा सामान ऊपर आ जाए, तो मैंने सोचा है कि नीचे ही टेबल पे सारा सामान रख लेती हूँ और कान्हा जी को भी नीचे ही बिठा लूँगी, सारे टेबल पर ही अच्छी तरह से पूजा हो जाएगी बैठ के। यहीं पे झूला वगैरह लगा दूंगी उनकी जो मैंने बनाई है, तो जितनी भी मैंने मिठाई बनाई थी वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी है, पंजीरी वगैरह सब पूरी तैयारी कर दी है। माला ले आए थे बाजार से जाके, और ये हमारे पास कैंडल हैं डिब्बी वाली हैं, बहुत सारी थी पर मैंने अभी यही निकाल रखी है। और इनमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कैंडलों में, बहुत अच्छी खुशबू है धीमी धीमी। जैसे ही मैंने इनका ढक्कन हटाया इसका ऊपर से, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और झूला भी आप देख रहे हो मार्केट से भी ज़्यादा कहीं अच्छी लग रही है। स्वास्थ्य देख रहा है बार बार छेड़ के, ये कैसी कैंगल होती हैं, उसने देखा ही नहीं है, पहली बार देखी है। वो कह रहा है छोटे वाला हाथ मत लगाओ इनसे, मम्मा तैयारी कर रही है। तो इसका ये फाइनल लुक है टेबल का जो हमने रेडी कर दी है। कैंडल भी मैंने जला दी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मंदिर कैसा लग रहा है, तैयारी जो हमने की है टेबल पे। एक सिंपल सी टेबल को आप इतना अच्छा बना सकते हो, आप देखना। फिर मुझे लगा थोड़ी बैलून की कमी है, अब बैलून घर पे रखे थे हमारे क्योंकि स्वास्थ्य के गौतम का। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई हो। मैंने सारी तैयारी कर ली है, पूरा टेबल पे जो मैंने सामान लगाना था, मुझे डेकोरेट करना था, वो सब मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो थोड़े से बैलून लगा दिए और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग से लगा दी है, लाइट लगा दी है। और ये स्वस्तिक गौतम रेडी हो गए। इनके कान्हा के कपड़े लेने में गई थी मार्केट, पर इनके साइज़ के ख़त्म हो गए, तब तक नहीं मिले इनके साइज़ के। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पर जो है उसके मैं गई थी हिसाब से लेने, पर नहीं मिले मुझे इनके साइज के कपड़े। गौतम के लिए मिल गए थे, स्वास्तिक के लिए नहीं मिले। पर फिर मैंने गौतम को भी नहीं बनाया खाना क्योंकि फिर स्वास्तिक रोता। स्वास्तिक इतना बड़ा नहीं है कि अभी समझदार हो कि देख के ये कहे कि मेरा भाई खाना बन गया तो चलो ठीक है मैं नहीं बनता हूँ, वो भी रोता। इसलिए मैं फिर गौतम के लिए भी नहीं लाई कपड़े। तो इन दोनों ने अभी ये न्यू कपड़े पहने हैं, दिखाओ दो। नए कपड़े, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। अभी टाइम नहीं हुआ है पूजा का, हमारे यहाँ पे रात को 12 बजे पूजा होती है, आरती वगैरह होगी 12 बजे, तभी चांद निकलेगा, चांद को जल चढ़ाएंगे हम लोग और आरती करेंगे। वाह गौतम, हटो हटो मम्मा के पास से। और ये देख सकते हो आप, ये जो झूला है ये वाली, ये मैंने बनाई है अपने हाथों से। गौतम स्वास्थ्य कुछ कहना चाहता है, बोलो। आज हैप्पी बर्थडे, आज कान्हा जी का बर्थडे है और मम्मा ने ही मेरा मंदिर पर लगा दिया। अच्छा, ये आपको उस चीज के बारे में बता रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पास से। ये जो त्रिशूल है ना, ये जो मेरा भाई है वो कापड़ लेने जाता है,
कावड़ में से ही वो सब चीज़ें टांग के लाता है। ये देखो, ये इसके पास दिखाओ, ये डमरू है, ये डमरू और ये त्रिशूल टांग के लाता, तो ये भी वहाँ से ले आया। इसके लिए रख रखे थे उसने उठा के, कि स्वास्थ्य का आएगा गौतम आएंगे तो उनके लिए खेलने के लिए दे दूँगा। तो मुझे लगा कि मंदिर में मैं इसको लगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे मंदिर में ये टांग दिया और डम, अरे ये तो गिर गया ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, हट गया, ले ये हडिकल ही गया, दे थी उसको। मैं सोची डमरू यहाँ पे बांध दूंगी तो दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगेंगी, पर कोई नहीं, इसका मन था निकलवाने का तो इसने निकलवा लिया। अभी टाइम कितना हो रहा है आप देख सकते हो, टाइम 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं अभी रात के, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, वही बहुत सारा टाइम है 12 बजने में। तो अभी मैंने सोचा कि आप सबसे बातें कर लेती हूँ। स्वस्ति के पापा उधर मेरी वीडियो एडिट कर रहे हैं, मैंने उनसे बोला है थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो मेरी, और झूला बनाने में भी उन्होंने मेरी हेल्प की, आ गए थे जल्दी। स्वस्ति गौतम मुझे इतना परेशान कर रहे थे, काम करने ही नहीं दे रहे थे। घर में जब कुछ त्यौहार होता है तो बहुत सारा काम हो जाता है, और स्वस्ति गौतम बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे फ़ोन किया तो फिर वो छुट्टी लेके शाम को जल्दी आ गए, फिर उन्होंने मेरी हेल्प की झूला बनाने में, तो मैं बना पाई। मार्केट गई थी मैं कपड़े लेने और झूला लेने, तो मार्केट में इतनी महंगी झूला आ रही थी, बहुत 200-250 रुपये से नीचे ही नहीं, और एक बेकार सी झूला थी जो कम से कम 120-130 रुपये में होगी। पर मेरे पास जो सामान रखा था मैंने उससे आइडिया लगाया और ऐसे करके झूला बनाई। झूला का ब्लॉग अलग आएगा, वो आप देखना कि उसमें मैंने कैसे ये झूला बनाई है कान्हा जी के लिए। तो फिर मैंने वो झूला मार्केट से नहीं ला के घर पे ही, टाइम तो लगा थोड़ा सा, कोई भी चीज़ आप पहली बार बनाते हो थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाते रहते हो तो तुम्हें आदत पड़ जाती है। मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे DIY नहीं बनाए मैंने काफ़ी टाइम से, तो मैंने जब बनाया तो टाइम लगा थोड़ा सा मुझे, पर जो बन के आई है वो पहली बार में इतनी अच्छी झूला बनी है कान्हा जी की, बहुत अच्छी झूला बनी है। तो लाज बचा ली मेरी, पैसे भी बचाए मैंने। तो फिर अभी पूजा करेंगे, आप सब देखना, पंजीरी वगैरह सब मैंने बना ली, स्वस्ति गौतम ने मिठाई खा ली, स्वस्ति के पापा को चाय और पकौड़ी बना के दे दी है अभी, क्योंकि वो ऑफिस से आए थे, उन्हें भूख लग रही थी। व्रत कभी रखते नहीं है, आज जन्माष्टमी का व्रत था, या तो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो या फिर शिवरात्रि का रखते हैं, दो व्रत रखते हैं वो। तो बस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। तो यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा, आरती होने वाली है, और उससे पहले मैंने पहले गौतम के कलावा बांधा, बंधवा ही नहीं रहा था, क्योंकि राखी भी इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से बंधवाई थी, और कलावा भी ये बंधवा नहीं रहा है हाथ में। मैंने बुलाया है इसको बंधवाने के लिए, अब स्वास्तिक की बारी है। स्वास्तिक तो बहुत ड्रामा करता है, बहुत ज़्यादा, अभी टीका लगवा रहा है, बड़ी मुश्किल से आया, फ़ोन देख रहा था, बार बार फ़ोन हाथ में ले लेगा, पता नहीं कैसे लॉक खोल लेता है, बहुत शैतानी करते हैं दोनों। अब मैं इसके बांधने जा रही हूँ, देखो कैसे बंधवाएगा, बहुत ड्रामा करता है, कभी ऐसे नहीं ऐसे करके बांधो, ऐसे नहीं ऐसे बांधो, अरे ऐसे नहीं ऐसे बांधो। फिर मैंने इसके बांध ही दिया। कान्हा जी को पहले मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया है, उसके बाद आरती की है। स्वास्तिक से बोल रही थी घंटी बजा दे, स्वास्तिक घंटी बजा रहा है, स्वास्तिक के पापा वीडियो बना रहे हैं हमारी। फिर मैंने उनसे बोला कि, और गौतम इतना रोने लग गया, एक तो उसे नींद आ रही है क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो रहा था गौतम सोने के लिए, तो मैं सोच रही थी आरती करके प्रसाद लेके खा के तब सो जाए वो, पर वो इतनी तेज तेज रोने लगा तो मैंने जल्दी जल्दी आरती की, उन्होंने भी फ़ोन साइड से रख दिया और हमने फटाफट आरती की, क्योंकि गौतम छोटा है ये दोनों, और स्वस्तिक भी स्कूल जाता है तो सुबह से स्कूल भी जाना था, अभी 12 बज चुके हैं इनके सोने के लिए। तो हम दोनों ने आरती की मिलके, फिर मैंने कपूर वगैरह डाला आरती में और साइड से रख के, फिर कान्हा जी को माला भी चढ़ानी है मुझे, गले में पहनानी है उनके। पहले मैंने फूल
चढ़ा दिया था उनके चरणों में, अब माला गले में डाल दी है उनके, पहना दी है उनको, सॉरी डाल दी है, पहना दी है। ये आरती वगैरह सब मैंने दे दी। अब कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ, उसके बाद जल, चरणामृत, पंजीरी सब चीज का भोग लगाया कान्हा जी का। बहुत अच्छा लगता है, कोई भी त्योहार हो घर में सबको अच्छी तरह से करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी तरह से कान्हा जी का बर्थडे मन गया और अब हम कान्हा जी को झूला में झुलाने वाले हैं। गौतम अभी चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, मैंने उससे बोला कान्हा जी को झूला में झुलाएंगे। एक बार इधर देखो सब जने, एक बार झूला झूले का। तो ये थी हमारी जन्माष्टमी की पूजा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।